Before we get started, let me throw some light on the purpose of this program. It is an awareness cum sensitization program for superficial summary revision of photo electoral rolls 2023. The main aim of this program is to make people aware and educate them about the significance and importance of right to vote and procedures of enrollment of every eligible at the grassroots level is utmost important. Today we have an importance of right to vote, electoral process and other related things. Sir. Thank you very much, sir. I would like to invite AS District Election Officer Kargil. I also welcome Mr. Ghulam Rasool, Nodal Officer, Sip Kargil. Mr. Ghulam Rasool is Assistant Tourist Officer of Kargil District and was appointed as District Sip Nodal Officer in 2021. You are welcome, sir. I cordially welcome Mrs. Sajjad Hussain, Tahsildar Arif Sanku. Thank you, sir, for being with us. I also welcome Mr. Anwar Hussain, Core Member. एक initiative लिया कि लोगों को अवेयर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जहां तक हम देख रहे हैं इलेक्शन में पार्टिसिपेशन बहुत कम हो रही है, स्पेशली फीमेल वोटर्स की और यूथ वोटर्स की, तो उसको हम ज्यादा पार्टिसिपेशन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं. तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल बेस पे एक क्या कहते हैं एक स्कीम लॉन्च की. रिलेटेड लोगों को इंफॉर्मेशन डिसिमिनेट किया जाता था, अवेयरनेस किया जाता था, राइट टू वोट, इंपोर्टेंस ऑफ वोटिंग के बारे में ज्यादा सिखाया जाता था. फिर जब 2009 में इसको एक्सपेरिमेंटल बेस करके थोड़ा सा जब ईसीआई को लगा कि हाँ भाई इट्स बिकमिंग फ्रूटफुल, यहां से हमें रहा है आपका गवर्नमेंट को चूज करने में इन अवे हम देखते हैं, तब हम कहते हैं कि यार छुट्टी है, छुट्टी क्योंकि कुछ अखबार अच्छा देखते हैं हम. इवन कारगिल में भी हमने बहुत सारी वोट की कितनी अहमियत है दिलचस्प, क्योंकि जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन हम जो अभी फॉर द फर्स्ट टाइम वोटिंग करने वाले होते हैं उनकी अवेयरनेस. अब स्वीप तो एक बहुत ही वास्ट एरिया है, उसमें इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन थ्रू वोटर रजिस्ट्रेशन एंड टर्नआउट, वोटर्स की ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन, क्वालिटेटिव पार्टिसिपेशन इन टर्म्स ऑफ एथिकल एंड इन्फॉर्म वोटिंग. एथिकल वोटिंग होनी चाहिए, इन्फॉर्म मतलब लोगों को पर्सनल सर्च जिसमें आप अपना नाम सर्च कर सकते हैं. दूसरा था सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म्स फॉर ए न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन, वहां से हम अपना नाम भी दर्ज कर सकते हैं न्यू वोटर्स का. और यहां पे हमें ऑब्जेक्शंस के लिए थे कि आप कोई डिलीट करना होगा अपना नाम तो उसके लिए हो सकते हैं. ऑनलाइन प्रोसेस के लिए आप इंडिविजुअल अपने लिए यही ऐप जो है लॉन्च किया था, जिसमें दूसरा पॉइंट था आपका रजिस्टर कंप्लेंट्स रिलेटेड टू इलेक्टोरल सर्विस एंड ट्रैक इट्स डिस्पोजल स्टेटस, जो जितने हम अपना कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन करेंगे उनका स्टेटस भी हम वहीं से देख सकते हैं. जैसे कि हमने एक फॉर्म सबमिट किया अपना, तो उसका कहाँ क्या हुआ है उसका स्टेटस भी वहीं से देख सकते हैं. से यहाँ पे आए हुए हजरात लद्दाख यूनिवर्सिटी कैंपस करगिल के प्रोफेसर साहिबान, बेलो साहिबान, बेलो सुपरवाइजर, मीडिया हजरात, पहली बार हमारे केजी बुला के अंदर यूनिवर्सिटी कैंपस कुंभाथा में ये प्रोग्राम रखा, हम इसका तहदिल हमारे पूरे केजी बुला के बेलोस के तरफ से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ. वैसे तो स्वीप के रसूल साहब के जो टीम है इन्होंने हर जगह तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे हर जगह इलेक्शन के हर एक एक्टिविटीज़ के बारे में प्रोग्राम इनेकाद करते हैं. तो इसका जितना भी आप लोग प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं उसका फायदा सिर्फ अपना इंफॉर्मेशन दे देते हैं, इसका उनको बेलोस को भी भेजते हैं, तो इसका हम आप लोगों का तहदिल शुक्रिया अदा करता हूँ. और हमारे बेलोस साहिबान की तरफ से मैं डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर मैडम साहिबा और
हम आपका बहुत ही शुक्रगुजार होंगे सर। बाकी मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त न लेते हुए आप तमाम हजरात का एक बार फिर से शुक्रिया। डेमोक्रेसीज को कहा जो फुल फ्लेज्ड डेमोक्रेसीज विद माइनर हैविंग माइनर प्रॉब्लम्स एंड 56 आउट ऑफ द 165 कंट्रीज आर प्योरली अथॉरिटेरियन एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज आर flawed democracies as categorized by economic intelligence unit. So why these 22 countries are democratic? They are democratic because of the political participation and the political culture which is prevalent in these vote. What does determine our vote? And this signifies the political participation, the importance of the political participation for any democracies. It is a hallmark for the success of any democracy. The country like India, we have a democracy, a successful democracy. But I will say we have to celebrate in two ways. Positively celebrate, because we have established an archetype, successful archetype of the democracies. In the words of Jawaharlal Nehru and Radhakrishnan, that what does independence mean for India? Independence means that we have institutions which are fulfilled. Divisions होते हैं photo electoral roll का, जिसका एक time bound period होते हैं. इस साल भी आपको नवंबर 9 से लेकर दिसंबर 8 तक आप लोगों के जितने भी आपके ऑब्जेक्शंस एंड क्लाइंट्स जो भी हैं वो इसी पीरियड में आप लोगों को फाइलिंग करने पड़ते हैं. तो स्वीप टीम खासकर हर तहसील में हमने पिछले एक महीने से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं. खासकर ये हमने डिग्री कॉलेज पे इस द्रास में जंस्कार में किया, कारगिल डिग्री कॉलेज में और साथ में हायर सेकेंडरीज में जितने भी तहसील हेडक्वार्टर पे हायर सेकेंडरी से वहाँ पे करके आए हैं और लास्ट में आज आपके यूनिवर्सिटी आप इस कैंपस में हम आज कर रहे हैं. तो हम फोकस करते हैं यूनिवर्सिटीज या कॉलेज और स्टूडेंट्स, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये जो स्वीप प्रोग्राम ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है. मेन मकसद है आपको सेंसिटाइज एंड एजुकेट करना आपका यंग वोटर्स को, खासकर आपके प्रोस्पेक्टिव वोटर्स जो है, आप जो फ्यूचर वोटर्स हैं या फर्स्ट टाइम वोटर में पार्टिसिपेशन करें और इथिकल वे पे करें, आपका इम्पार्शियल करें पार्टिसिपेशन, आप लोगों को पूरे मतलब वेल इन्फॉर्म्ड हो इलेक्शन प्रोसेस के बारे में. इलेक्शन का मेन जो है इसका ऑब्जेक्टिव है स्वीप प्रोग्राम को चलाने का ये है. तो जिस तरह हमने कारगिल में हर जगह जिस तरह हम आपको थ्रू हमारे होर्डिंग्स के थ्रू या सोशल मीडिया के आने वाले दिनों में हमारे कॉन्सर्ट के इलेक्शन भी होंगे, हमारे में पार्लियामेंट्री के पार्लियामेंट के भी इलेक्शन हमारे 2024 में होने जा रहे हैं. तो इसमें आप लोग पार्टिसिपेट करें और जैसे कि दूसरे जगहों पे हमारे दूसरे स्टेट्स में इलेक्शंस में तो पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन वहाँ पे टर्न आउट लोगों के पार्टिसिपेशन कम रहते हैं, लेकिन हमारे लद्दाख रीजन है यहाँ पे पार्टिसिपेशन टर्न आउट भी बहुत है और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बहुत ही हाई लेवल के होते हैं. आप लोग खुशनसीब होते हैं उनके बीच में आके इस डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में और स्पेशल समरी रिवीजन ऑफ फोटो इलेक्ट्रल रोल्स 2020 के बारे में. मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा, मैं जम्मू यूनिवर्सिटी में पढ़ता था बॉटनी डिपार्टमेंट में और मैं वहाँ नेट जारफ भी था उस वक़्त का. नेट जारफ मैंने क्वालिफाई किया था लेकिन मेरी किस्मत नहीं था या मैं इस काबिल नहीं था कि एजुकेशन इसमें फैकल्टी इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैं आप बच्चों का जो है खदमत कर सकूं. इस लायक तो नहीं हूं कि आप लोगों को डेमोक्रेसी के बारे में ज़्यादा बताएं, लेकिन फिर भी जो एडमिनिस्ट्रेशन व्यू से जो पता होना चाहिए लोगों को या हमारे मासिस को हमारे स्टूडेंट्स को उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा. जब हमारी देश जो है वो आज़ाद पे हमारे मेंबर्स चुने गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, उनका मेन काम था जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना.
तो उनके पास उस वक्त दो ऑप्शंस थे, दो सिस्टम्स थे उनके पास, एक जो यूएस वगैरह में चलता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, दूसरा हमारे उस वक्त ब्रिटेन में और कई और कंट्रीज में चलता था पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो इन 21वीं सदी के बच्चे हैं, हमारी तरह नहीं है, हम तो बहुत पुराने जमाने के हैं। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को ज़्यादा, आप लोग ये रजिस्टर हुए होंगे, जो जो प्रोसेस इन्होंने यहाँ पे बोले एक्सपर्ट्स ने, उनका यूज़ करते हुए अपने BLO से मिलके आप लोग अपने आप को इलेक्टर रोल में रजिस्टर कराएं। तो हमारे इलेक्शन टीम का मेन पर्पस यही है कि जो इलेक्ट्रल ड्राफ्ट रोल जो अभी तहसीलदार साहब ने बोला कि आप लोगों ने देखा होगा, बच्चों ने इलेक्टर ड्राफ्ट रोल जिस पे फोटो लगा के हमारे फैमिलीज का डिटेल, कितने फैमिली मेंबर्स एलिजिबल जो हैं वो उसमें एनरोल्ड होते हैं। तो इलेक्शन के टाइम पे जो हमारा मोहल्ले का या हमारे गांव का नंबरदार होता है या काउंसलर होता है, तो वो तहसील ऑफिस से हमें वो इलेक्टर रोल दे के हमारे घरों पर पहुँचाते हैं, एक एक फैमिलीज का उसमें डिटेल होता है, तो उसको लेके हम अपना वोट डालने जाते हैं, जिस बात की जिसकी कि हम सबको खबर है। तो अभी के यहाँ के मतलब बेदार हो के यानी पता हो के वोट करना चाहिए। हमारे लद्दाख में, मैं अपने करगिल की बात करूंगी कि करगिल में हम गवर्नमेंट के मशकूर हैं कि गवर्नमेंट ने हमें हिल डेवलपमेंट काउंसिल दिया हुआ है, आप सबको पता है, यानी पहाड़ी तरक्याती काउंसिल। ये काउंसिल ऐसा है कि हुकूमत ने हमारे पसमानदगी को देख के, हम दूर दराज इलाके से हैं तो हमारे पसमानदगी को देख के हमें हिल काउंसिल दिया है, ताकि हम अपने डोर स्टेप पे ही, अपने घर पे ही, इस गौथम जैसे मैंने इस काउंसिल ने में हमने अपने अपने इलाके से, जैसे हमारे सारे ब्लॉक्स हैं जांसकार से लेके मटाइन तक, वहाँ से हर एक जगह से एक एक नुमाइंदा हमने चुन के देना है। जैसे मैं टाउन की हूँ तो मुझे अपने, हमने अपने टाउन से एक नुमाइंदा चुनना है। यहाँ सांकू वालों ने अपना एक नुमाइंदा, जैसे आप सबको पता है हम काउंसलर्स चुन के काउंसिल में भेजते हैं, फिर वहाँ पे हमारे जो काउंसिल के 30 सीट हैं, 26 इलेक्टेड होते हैं, बाकी 4 नॉमिनेटेड होते हैं, तो वो सब वहाँ के थे। तो ऐसी ऐसी बिल्डिंगें बनती हैं कि वो यही प्लान अब यहाँ से जाता है, कौन के हिसाब से हमारे करगिल में बिल्डिंगें कैसी होनी चाहिए, सड़कें कैसी होनी चाहिए, कितने स्कूल होने चाहिए। क्या आप लोग अपने हेक्टिक शेड्यूल में से टाइम निकाल के यहाँ पे आए? सबसे ज़्यादा मैं मशहूर हूँ मैडम नरगिस का, कि हम जहाँ भी जाते हैं कि आप यहाँ हमारे साथ आते हैं और हमारा हौसला अफजाई करते हैं, स्वीप टीम करगिल का। आपके, आपको बहुत बहुत मशहूर, और यहाँ के रेक्टर स्पेस प्रोवाइड किया इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो उनका भी बहुत बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने भी यहाँ पे अपना कीमती वक्त में से वक्त देकर हमें अवेयरनेस प्रोग्राम में रौनक बख्शी। तो अपोजिशन का लीडर भी होता है, जो हमारा चीफ जस्टिस से जो अपॉइंट होता है उसको रिकमेंडेशन करने के लिए सिर्फ हमारे कैबिनेट मिनिस्टर या PM जो है वो नहीं होते हैं, उसमें अपोजिशन के लीडर भी उसमें होता है जो रिकमेंड करते हैं। हम ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट, आपका यूनिट में एक सबऑर्डिनेट एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने वाले हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, जिस डिस्ट्रिक्ट है उस तरह जो रीजनल मजिस्ट्रेट्स होते हैं। हमारा जो काम होता है, हम जो है गवर्नमेंट जो कहते हैं